आरिसपुरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला ग्रामीण प्रधान नरेश बिट्टू ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर सरकार से मांग की है कि घराना वेटलैंड विस्तार में जिन किसानों की भूमि आ रही है उन किसानों को भूमि के बदले भूमि दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नेशनल कांग्रेस पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है और अगर किसानों के साथ किसी तरह का कोई अन्याय किया गया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नरेश बिट्टू, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जम्मू रूरल भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, और आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है वो घराना वेटलैंड के ऊपर जो किसान की जमीन छीनी जा रही है उसके ऊपर रखी है। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो हम श्रद्धांजलि के रूप में आते हैं, जो हमारा बिपिन रावत जी जो पहला CDS देश का, उसका देहांत हो गया है एक दुर्घटना के प्रति, तो हम घराने के ऊपर रखी है हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि किसानों को बात बैठ के करनी चाहिए किसानों के साथ। आज किसान सड़कों पर आ गया है। एक और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिमीदार को, किसानों को पता ही नहीं है। और हम चाहते हैं कि घराना में जो वेटलैंड बननी, हम विरोध में नहीं है उसके, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। सबसे पहले किसानों को जमीन देनी चाहिए, उसके बाद किसानों को एक एक नौकरी उनके परिवार को देनी चाहिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा मौकफ रहा है, वो तो हमेशा ही नेशनल कॉन्फ्रेंस किसानों के साथ है, क्योंकि सबसे बड़ा जो लैंटो टिलर किया था 1953 में, वो शेख साहब ने किया था। और हम पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर की वो किसानों के साथ है, घराना किसानों के साथ है। मैं नरेश बिट्टू, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट,